ब्लैक विडो मूवी माओ सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगली मूवी होने वाली है। अब इसके बारे में ज़्यादा लोग तो नहीं, बट हाँ कुछ लोग ज़रूर एक्साइटेड हैं। और कल ही हमारे पास लेटेस्ट ब्लैक विडो की लीक्ड प्रोमो आर्ट्स आ चुकी हैं, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सारी की सारी प्रोमो आर्ट, साथ ही साथ एक्सप्लेन करूँगा कुछ हिडन डिटेल्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। स्कारलेट जोहानसन और नताशा रोमानोफ के लिए ये मूवी एक वन ऑफ द मूवी ऐसी होने वाली है जो कि फीमेल सुपरहीरोज को ओमाज देती है और उनकी रिस्पेक्ट करती है। और मुझे लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक विडो की कोई सेकंड सोलो मूवी नहीं आने वाली, ये सिर्फ एक ही मूवी होने वाली है। तो इसके अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सारी चीज़ें जो निचोड़ कर, यानी जितने भी पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दिए जा सकता है ब्लैक विडो को, जितना भी ट्रू दिखाया जा सकता है ओरिजिन से, जितना कन्फर्म्ड दिखाया जा सकता है, उतना इस मूवी में दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात ऑलरेडी पता है कि इस मूवी का जो विलन है वो है टास्कमास्टर, और उसकी भी पिक्चर जो है लीक हो चुकी है। हम देख सकते हैं जो फर्स्ट पिक्चर आई है इसकी क्वालिटी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली आप यहाँ पे नताशा का पूरा सूट देख सकते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एक डिटेल जो मैं आपको बताना चाहूँगा ये है कि कॉमिक्स के अंदर उसके गोल्डन ब्रेसलेट थे जिसमें से बुलेट निकलती है, और उसकी गोल्डन यूटिलिटी बेल्ट वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ब्लैक विडो के पूरे लुक की, सो इट लुक्स अमेजिंग। ये यूटिलिटी बेल्ट और साथ ही साथ गोल्डन ब्रेसलेट ब्लैक विडो के कॉमिक एक्यूरेट रोल को दिखाते हैं, साथ ही साथ कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम को दिखाते हैं। एमसीयू के अंदर ब्लैक विडो कितने सालों से है, लगभग 2010 से है, लेकिन उसके बाद में अभी तक हमें ब्लैक विडो के गोल्डन ब्रेसलेट अभी तक नहीं दिखाए गए हैं। और मुझे पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक मूवी ऐसे होने वाली थी ब्लैक विडो की जो कि पूरे तरीके से उसके लिए डेडिकेटेड होगी, तो वो चाहते हैं कि एकदम ट्रू ओरिजिन की स्टोरी दिखाई जाए, और इसलिए यहाँ पर जो डिटेल है बहुत ही अमेजिंग मुझे लग रही है, क्योंकि फाइनली ब्लैक विडो के पास में उसके गोल्डन ब्रेसलेट आ चुके हैं। इसके बाद में जो फोटो हमारे पास आने वाली है वो होने वाली है इस विलन की जो कि है टास्क मास्टर, यानी कि टोनी मास्टर्स। हम देख सकते हैं टास्क मास्टर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, उसका जो सूट है वो कॉमिक इंस्पायर्ड है, लेकिन काफ़ी लोग इस बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं कि उसका जो कॉमिक एक्यूरेट स्कल है, उसका जो फेस फीचर है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट गाइस ये सिर्फ और सिर्फ एक फोटो है, हो सकता है हमें मूवी के अंदर वो चीज़ देखने को मिले, तो अभी हम जज नहीं कर सकते, पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ भी बदला जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ टास्क मास्टर की, तो मैं कहूँगा कि कॉस्ट्यूम और शील्ड और जो उसकी स्वॉर्ड है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कॉमिक से बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। इसके बाद एक ऐसी डिटेल जो कि वैसे तो कोई भी मिस कर देगा, बट अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, वो ये है कि इन चारों पिक्चर्स के नीचे बॉटम में हमें बी डब्ल्यू और एम इनिशियल देखने को मिलते हैं जो कि दर्शाते हैं ये ब्लैक विडो मूवी है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डिटेल, बिकॉज हमें पता है कि ये मूवी का ट्रेलर जल्दी ही हमारे पास आने वाला है और इसकी तैयारी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शुरू हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये प्रोमो आर्ट मुझे कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप एक्साइटेड हो ये मूवी देखने के लिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट 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 डे।